चमकते हैं। तो ऐसा है कि मैं प्रेम पर कुछ कमी लिखता हूँ, हिंदी साहित्य से इतना प्रेम रहा है मेरा कि मैंने विचारों पर बहुत लिखा। और आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये ललित कला का मंच है, और जब किसी ललित कला का हम अनुसरण करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं हर क्षण पर। तो वही आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक कविता है मेरी, उसका नाम है काव्य कामिनी। काव्य कामिनी, एक जो कवि है वो जब अपनी कविता की साधना करता है तो किस किस प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं, तवज्जो जरा ध्यान से दीजिएगा। शब्द कुछ कठिन हो सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आज समझाने का धीरे धीरे, लेकिन आप लोग जितने ज्ञानी हैं मैं मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता प्रारंभ होती है कि क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है, संग समय समन्वय संवेदन सुस्ताना बाधित करता है। क्यों काव्य कामिनी का कर्षण, कर्षण अर्थात खींचा जाना, गिराया जाना अपनी ओर, है ना। आकर्षण विकर्षण उसी से शब्द बने हैं, कर्षण मूल शब्द है। तो क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है, संग समय समन्वय संवेदन सुस्ताना बाधित करता है। समय की बात करते हैं कि कर देता वक्षस्थल विदीर्ण, कर देता वक्षस्थल विदीर्ण, कभी दोनों शुभ संध्याओं का, और कभी हर लेता सारा प्रताप दोपहर की सूर्य सिखाओं का, कभी हर लेता सारा प्रताप दोपहर की सूर्य सिखाओं का। देखिए बड़े अच्छे समय के पहर होते हैं, संध्या है हमारा, उषा काल है, निशा काल है ना। संध्या पर तो हमारे छायावादी कवि लिख गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है उन्होंने लिखा क्या कि संध्या सुंदरी नाम से उन्होंने कविता लिखी कि दिवसावसान का समय, मेघ स्थल से उतर रही है संध्या सुंदरी वो परी सी। क्या लिखा? परी सी। तभी कहा गया है कि क्या कर देता वक्षस्थल विदीर्ण, कभी दोनों शुभ संध्याओं का, कभी हर लेता सारा प्रताप दोपहर की सूर्य सिखाओं का। आगे लाइन पे तवज्जो चाहूंगा कि उषा का तो कभी निशा, उषा का तो कभी निशा का, या चीर हरण सा करता है, क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है। कविता लिखने के समय में ये सारे पहर ऐसे बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम कविता ही लिखते रह जाते हैं, ये सारे पहर बीत जाते हैं, कोई आनंद नहीं प्राप्त होता। आगे समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसे हमारा खराब होता है हमारे संबंधों के साथ। दूसरी देखिएगा यहाँ पर, मित्रों संग सुखद समय सपनों को कर देता है छिन्न भिन्न। मित्रों संग सुखद समय स्वप्न, अभी पूरा नहीं हुआ, आपने प्लान बनाया कि गोवा जाएंगे, है ना, तो स्वप्न था आपका लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक कविता लिखने में, कविता साधना में इतना व्यस्त है, या किसी भी ललित कला में। तो मित्रों संग सुखद समय स्वप्नों को कर देता है छिन्न भिन्न, प्रतीक्षारत प्रेमी हृदयों के कर देता टुकड़े विभिन्न। प्रतीक्षारत प्रेमी हृदयों के कर देता टुकड़े विभिन्न। आपकी प्रेमिका कहीं बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप तो कविता लिखने में व्यस्त है, तो वो वही रह गई, आप कविता लिखते रहे, सब नष्ट हो गया। तो प्रतीक्षारत प्रेमी हृदयों के कर देता टुकड़े विभिन्न। आगे वाली लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संबंधों की बलि सी देकर, संबंधों की बलि सी देकर यह अंगुली माला भरता है, क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है। क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है। आगे देखिए एक प्रश्न है कि क्या उस शिक्षा का बैरी है, क्या उस शिक्षा का बैरी है जो धनोपार्जन हेतु बनी, और कलि के कोमल धन स्वप्नों पर यह पौधा है एक नाग। क्या उस शिक्षा का बैरी है जो धनोपार्जन हेतु बनी, कलि के कोमल धन स्वप्नों पर यह पौधा है एक नागफनी। जब कभी आप इस प्रकार की रचनाएं करते हैं या किसी भी ललित साहित्य में आप चले जाते हैं ना, तो आपके पास वो पढ़ने का समय नहीं होता जो आपको धनोपार्जन करवाएगा, आपको नौकरी दिलवाएगा, है ना। तुलसीदास जी पहले ही लिख गए थे वो कि मात पिता बालकनी बुलावे और उधर भरे सोई धर्म सिखावे, कि जिससे उधर भर जाए भैया वही सीख लो, एक ललित साहित्य में कुछ रखा नहीं है ना। तो यही कहता है क्या उस शिक्षा का बैरी है जो धनोपार्जन हेतु बनी, कलि के कोमल धन स्वप्नों पर यह पौधा एक नागफनी। लेकिन फिर भी एक जो सच्चा कवि है वो अपनी कवि साधनाओं का ऐसे निभाता है, कहता है कि धन रहित उपेक्षित जीवन को, धन रहित उपेक्षित जीवन को या हर्षित वर्षा वर्ता है, क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है। धन रहित उपेक्षित जीवन वध को हर्षित वर्षा वर्ता है, क्यों काव्य कामिनी का कर्षण मुझको आह्लादित करता है। ठीक, अब ये तो हो गई बुराइयां, कुछ और आपको सुना देता हूं कि कैसे ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जल्दी से समाप्त करेंगे क्योंकि समय की कमी है।
कि ये मेरा सबसे ज्यादा लिखा गया अनुप्रास है, 12 बार इसमें अनुप्रास का प्रयोग हुआ, इस लाइन में लिख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि कुछ समय कुपहर एक कुशल कुमुद की कोमलता सा छाता है, इस कठिन कुहासे के कपाण से कुछ कलिमल कट जाता है। कुछ समय कुपहर एक कुशल कुमुद की कोमलता सा छाता है, इस कठिन कुहासे के कपाण से कुछ कलिमल कट जाता है। विरोधाभास है कि छाता है एक कुहासे की तरीके, लेकिन इस कुहासे के छाने से मेरा जो पाप कुछ होना था मेरा कविता लिखने में चला जाता है, वो समय कट जाता है। आगे क्या कहता है कि मन इसके त्यागे जाने की कल्पना मात्र से डरता है, कि काव्य कामनी का आकर्षण मुझको आह्लादित करता है। एक अंतिम बात इसी कविता में जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा ज्यादा समय न लेते हुए, कि उच्छ्वासित हर्षित हृदय हरित हो हर्ष बेल सा बन जाना। जब कविता पाठ में कभी करता हूँ आपकी जो तालियां मिल रही है मुझे, तो उच्छ्वासित हर्षित हृदय हरित हो हर्ष बेल सा बन जाना, और सत सराहना के सागर से संतोष की गगरी भर लाना। सत सराहना के सागर से संतोष की गगरी भर लाना, ये लाइन में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि प्रेमिका नहीं है मेरी, नहीं तो नहीं लिख पाता मैं। आगे वाली लाइन ये कि ऐसी प्रेमिका न हुई न होगी न वर्तमान में संभावना, ऐसी प्रेमिका न हुई न होगी न वर्तमान में संभावना, ये काव्य साधना। और संतोष के जल की इन बूंदों में मेरा उदर न भरता है, क्यों काव्य कामनी का आकर्षण मुझको आह्लादित करता है। संग समय समन्वय संवेदन सुस्ताना वर्णित करता है। धन्यवाद।